जय हिंद साथियों, दिल्ली से अलका लांबा आप सभी को होली के पावन अवसर पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और ये मेरा आज का फेसबुक लाइव सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के मेरे संघर्ष के साथियों के लिए और कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए है। मध्य प्रदेश के में जो भी घटनाक्रम हो रहा है, काफी काफी कांग्रेस का जो कार्यकर्ता जमीनी है, जिन्होंने पार्टी के संगठन को बनाने में, चुनावों में संघर्ष करने में, सरकारें बनाने में बिना किसी लालच के पूरा अपना योगदान दिया, उन सब के लिए है। क्योंकि काफी लोग जो भी उठक पटक हो रही है उसे लेकर कांग्रेस का जमीनी कार्यकर्ता काफी निराश दिख रहा है, पर मैं ये कहूंगी निराश होने की कोई बात नहीं है। मुझे याद है 1993 में, जी हाँ 25, 26, 27 साल हो गए, जब मैं 18 साल की थी तब कांग्रेस की मैंने एनएसयूआई की सदस्यता ली, एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। पूरे देश के अंदर 18, 19, 20, 21, 22 साल के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनके साथ मेरी भी उम्र लगभग उतनी ही थी उस समय पर संघर्ष किया। दो दशकों तक मैंने और मेरे साथ जो संघर्ष के कांग्रेस के समर्पित लोग थे, आप जैसे लोगों ने संघर्ष किया 2 दशकों तक। और मेरे सहित कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता थे, हम सब बात करते थे कि हम कांग्रेस के लिए इतना काम करते हैं, नेताओं के लिए चुनावों में दरियां बिछाना, झंडे उठाना, सब कुछ करते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता को वापसी में सिर्फ एक सम्मान, एक पहचान, वो चाहिए होती है। मैं भी कार्यकर्ता थी इसलिए उस दौर से मैं भी गुजर रही थी और हम सब कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता उस बारे में बात करते थे। मेरी तरह बहुत से कांग्रेस के कार्यकर्ता आज तक कांग्रेस में रहते हुए कभी भी विधायक, सांसद, निगम पार्षद तक नहीं बनने दिया गया होगा। ये नहीं कह रहे बन नहीं पाए, बनने नहीं दिया गया बहुत से लोग। लेकिन उसके बावजूद अगर आप सांसद नहीं बन पाए कभी भी, या नहीं बनने दिया आपके नेताओं ने आपको सांसद, विधायक, पार्षद नहीं बनने दिया आपको, सिर्फ उन्हें रहता था कि आप कार्यकर्ता रहे और हमारे झंडा उठाते रहे, हमारी जिंदाबाद करते रहे। ये मैंने 2 दशकों तक भुगता। पार्टी बदलने में और विचारधारा बदलने में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत से लोग कह रहे हैं अलका जी पार्टी तो आपने भी बदली थी 2 दशकों के बाद, जब ये नौबत आई पार्टी जरूर बदली थी लेकिन विचारधारा कभी भी नहीं बदली। वो विचारधारा जो गांधी की विचारधारा है, वो विचारधारा जिसमें 20 साल मैं और मेरे जैसे आप जैसे कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता एक आइडियोलॉजिक विचारधारा से जुड़े रहे, वो हताश निराश होकर घर बैठ सकते हैं। मेरी तरह जब एक अन्ना आंदोलन दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन हुआ तो मैं रामलीला मैदान पहुंची थी, 1 साल संघर्ष किया था, जाते ही मुझे कोई टिकट नहीं मिली थी, ना मैं टिकट के लालच में गई थी, मैं उस एक विचारधारा को दिल्ली में आने से रोकने गई थी। और उसे रोकते हुए मुझे वो दल, वो पार्टी दिख रही थी जो रामलीला मैदान में थी, 5 साल वही रही, संघर्ष किया उस विचारधारा को हराने के लिए, वाराणसी तक गई थी, समझौता नहीं किया था। आज के मध्य प्रदेश के जो नेता हैं, दिख रहा है सत्ता और कुर्सी का लालच उन्हें कहां तक ले गया है। अलका लामा ने सत्ता, कुर्सी, या मेरे जैसे लोगों ने कभी भी, जो कार्यकर्ता है, नेता की पार्टी छोड़ने में और कार्यकर्ता की पार्टी छोड़ने में जमीन आसमान का अंतर होता है। दिल्ली के अंदर मैंने जब देखा जो लोग स्टीयरिंग पर बैठे हुए हैं, वो गाड़ी को, कांग्रेस की गाड़ी को दिल्ली के अंदर खाई में लेकर जा रहे हैं और पीछे बैठे हम चिल्ला रहे हैं कि आपकी गाड़ी खाई में जा रही है, लेकिन नेता सुनने को तैयार नहीं थे। वो गाड़ी, नेता जो ड्राइविंग सीट पर थे वो खाई में लेकर जा रहे थे, मेरे जैसे नेता उस गाड़ी से तुरंत कूदे अपनी जान को बचाने के लिए, और उन ताकतों के खिलाफ खड़े हो गए हम लोग एक बार फिर से, जिन ताकतों को रोकने के लिए 2 दशकों तक मैं और मेरे साथ के लोग कांग्रेस में थे। और हम कामयाब भी हुए, भाजपा को दिल्ली में 7 चुनावों में 1 चुनाव जीती थी और 6 चुनाव, 3 खुद कांग्रेस ने रोका उन्हें और 3 में दूसरी पार्टी ने रोका, लेकिन दिल्ली में हमने उस विचारधारा की सरकार नहीं बनने दी। आज मैं सिर्फ आपको, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये कहूंगी कि मैंने माधवराव सिंधिया जी के साथ काम किया है, मैंने राजेश पायलट जी के साथ काम किया, जब मैं कहती हूं 25-30 साल, और मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत से जमीनी कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं ने, माधवराव सिंधिया जी हूं, राजेश पायलट जी हूं, या हमारे उत्तर प्रदेश से आने वाले जितेंद्र प्रसाद जी हूं, मुंबई से आने वाले मुरली देवड़ा जी हूं,
ये बड़े बड़े नेताओं के साथ हमने हमने काम किया, दरियां बिछाई, कार्यकर्ता बनके झंडे उठाए, चुनावों में प्रचार किया, और कभी कभी हमें विधायक, सांसद, पार्षद, मंत्री, राज्य मंत्री का दर्जा, कोठी, बंगले, गाड़ियां नहीं, कभी नहीं हम कार्यकर्ताओं को मिली, लेकिन हमने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। और इनके, मैं बता रही हूं, माधव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने इस्तीफे पत्र में लिखा है 18 साल तक उन्होंने पार्टी की सेवा की। 18 साल अलका लांबा जैसे समर्पित कांग्रेस में बहुत से कार्यकर्ता हैं जिनने 20-20 साल, दो दो दशकों तक कांग्रेस का झंडा उठाया और कभी उन्हें कुछ नहीं मिला उस तरीके से जो उनका हक था, क्योंकि मारा गया आप द्वारा, आप जैसे नेताओं द्वारा जो आज इस्तीफा दे रहे हैं। क्या नहीं मिला ज्योतिरादित्य सिंधिया को? आते ही पिताजी का संघर्ष था, उनके साथ काम किया था हमने, तब तो हमें मालूम नहीं था ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ है। हम झंडे उठा रहे थे, हम दरिया बिछा रहे थे, हम संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आते ही लाड साहब को लोकसभा की टिकट मिल गई, सहानुभूति की लहर में जीते, घमंड आ गया, दूसरी बार जीते 2004 में, सीधा केंद्रीय मंत्री बन गए 2004 के बाद, फिर 2008 में चुनाव आया, फिर लोकसभा टिकट मिली, फिर मंत्री बन गए, केंद्रीय मंत्री रहे। उसके बाद अब उनको प्रदेश अध्यक्ष भी चाहिए, राज्यसभा भी चाहिए, अब उनसे छटपटाए, वो ये ना राजा बिना बिना मुकुट के कैसे रह सकता, बिना ताज के कैसे रह सकता है, वो इनसे बर्दाश्त नहीं है। मध्य प्रदेश का एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको कहूंगी, बिल्कुल निराश मत होइएगा, ये बेनकाब हुए हैं, ये बेनकाब हुए हैं, अपनी सोच अपनी विचारधारा से समझौता किया है, मजबूती से उठिएगा। नेता गए हैं, कार्यकर्ताओं से कहूंगी ये नेता आपके दम पर है, आप इन नेताओं के दम पर कतई भी नहीं, और आपके दम पर, कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टी है और उसका संगठन है, जिसे उठाने की जिम्मेदारी हम लोगों ने सभी को लेनी होगी। मैंने अभी एक ट्वीट भी किया है, जब मैं कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी से मिली थी, मैंने मैडम को कहा कि मैं वापस अपने घर आना चाहती हूं, क्योंकि मैं जब दो दशकों के बाद पार्टी से गई थी, एक आंदोलन में गई थी, एक विचारधारा कराने वाराणसी तक गई थी, लेकिन जब उस पार्टी ने देखा कि भाजपा से समझौते करने शुरू कर दिए हैं, वो भाजपा की बी टीम बन चुकी है, राजीव जी के भारत रत्न को वापस लिए जाने का प्रस्ताव का अलका लांबा ने पुरजोर विरोध विधानसभा के पटल पर किया था। मुझे खुशी है सोनिया गांधी जी ने इस बात को जब कहा मुझे मिली कि तुमने कांग्रेस छोड़ी जरूर थी, लेकिन तुम कांग्रेस को अंदर से नहीं छोड़ पाई, और यही था कि राजीव जी के भारत रत्न को लेकर जब बात उठी और उसी पार्टी की विचारधारा जिसको जिस जो बीजेपी को समर्थन कर रही थी, मैं अपने घर वापस लौटी। लालच होता, आप यकीन नहीं मानेंगे, 2019 के चुनाव में गुजरात के संघ के बड़े नेता मेरे घर तक पहुंच चुके थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी छोड़ रही है तो भाजपा में आ जाइए, और लोकसभा की दिल्ली से टिकट का भी वायदा किया, लेकिन एक ही बात कही थी, मैं दो दशकों तक कांग्रेस में रही हूं, एक गांधीवादी विचारधारा से रही हूं, उस समय भी पार्टी जब छोड़ी थी भाजपा में जा सकती थी, लेकिन नहीं, रामलीला मैदान गई थी। आज भी जब आम आदमी पार्टी को भाजपा की बी टीम बनते हुए देख रही हूं, तो उस समय भी भाजपा में नहीं, किसी और दूसरे दल में नहीं, अपनी कांग्रेस, अपनी विचारधारा, अपने घर वापस लौटना मैंने पसंद किया। तो जो लोग ये कहते कि मैडम पार्टी तो आपने भी छोड़ी थी, अलका लांबा के पार्टी छोड़ने और घर वापस आने में और दूसरे नेताओं के पार्टी छोड़ने में अपने लालच में, हाँ देखा, मध्य प्रदेश में एक स्थिर कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम, घर का भेदी लंका ढाए, वो काम आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। पूरी एक स्थिर सरकार को किस तरीके से, और 17 विधायक, 14 विधायक, मैं पार्टी शीर्ष नेतृत्व को भी एक बात कहना चाहती हूँ, जब आप टिकटें दें तो ये फैसले आप करिए, उस कार्यकर्ता को देखिए जो पार्टी में समर्पित है, अपना सब कुछ लगाकर पार्टी के लिए जी जान से संघर्ष करता है, आंदोलन करता है, प्रोटेस्ट करता है, लाठियां खाता है, अपना शरीर नीला कर लेता है, टिकट पर हक उसका होता है, लेकिन यहाँ होता क्या है, गणेश परिक्रमा होती है, चुनाव नजदीक आते बायोडाटा लेकर कोई 24 अकबर रोड और कोई बड़े नेताओं के घर की परिक्रमा करना बायोडाटा लेकर शुरू कर देता है, फिर आरोप लगते हैं कि पैसों में टिकटें बिकती हैं, ये नेता उसकी अप्रोच से आएगा, वो नेता उसकी, इस कार्यकर्ता ने उस नेता के घर के दरवाजे और चौखट नहीं खटखटा, इसलिए इस ये नेता उस कार्यकर्ता को आगे नहीं बढ़ने देता। आज जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ विधायक छोड़कर जा रहे हैं, अगर उन्हें नेता के कहने पर टिकट ना दिया गया होता
और ये टिकट सोचकर दिया होता है ये कांग्रेस के लोग है। कोई कहीं पे भी जाए, एक भी विधायक, एक भी सांसद, एक भी नेता पार्टी छोड़कर उस वजह से नहीं जाएगा क्योंकि वो नेता जा रहा है, इसलिए ये भी जा रहे हैं। लेकिन वो ये मानते हैं कि हमारी टिकट, माफी चाहूंगी 14 विधायक मध्य प्रदेश के, कि हमें टिकट राहुल गांधी जी ने नहीं दिया, हमें टिकट सोनिया गांधी जी ने नहीं दिया, हमें टिकट, हमें विधायक, हमें नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बनाया है। इसलिए सिंधिया जब जाता है तो सारे विधायक पीछे पूंछ बनकर हिलाते हुए दुम निकल जाते हैं। और अगर ये एक समर्पित कांग्रेस की विचारधारा के नेता होते जिन्हें यकीन होता कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ने मेरे लिए संघर्ष करके मुझे जितवाया है, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे मुझे वोट पड़ा है, मेरी टिकट किसी और नेता ने नहीं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के कहने पर हुई है, तो कतई भी ये लोग विधायक पार्टी छोड़कर नहीं जाते। लेकिन आज अच्छा है, मैं आपको फिर कह रही हूँ, सोनिया गांधी जी से जब मिली थी, एक ही बात मैडम को कहा मैंने, जो मैं दोबारा दोहरा रही हूँ आपसे, कि मैडम आपको अब कड़े फैसले लेने होंगे, और खास तौर से राहुल गांधी जी से सब अपील करते हैं, ये भाजपा को आपसे खतरा है, इसीलिए हर बार हमला आप पर किया जाता है, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी पर किया जाता है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि कांग्रेस में, कांग्रेस परिवार को एक धागे में बांधने का काम, एक रखने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो धागे का काम कोई और नहीं, गांधी परिवार जो त्याग और बलिदान से जिसका अस्तित्व है वो कर रहा है। आज वो कांग्रेस के परिवार को एक रखने में वो धागा जो है आपको कभी नहीं दिखेगा, लेकिन वो माला को एक रखने का काम, देश में 10 साल मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार चलाने का काम सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हुआ, ये भूलना नहीं चाहिए। आज जो लोग मांग करते हैं कि किसी और को नेतृत्व सौंपिए, तो मुझे लगता है एक कांग्रेस में लोग कहते हैं कि ये अपने पास मुट्ठी में सत्ता और सब कुछ रखना चाहते। मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्या मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री 10 साल तक रहे गांधी परिवार से आते हैं? नहीं आते हैं। क्या प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति बने कांग्रेस गांधी परिवार से आते हैं? नहीं। क्या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, ये फैसला सोनिया गांधी जी का था, क्या वो गांधी परिवार से आती हैं? जी नहीं। ऐसे कितने नेताओं के नाम बता सकती हूँ जो प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, गवर्नर, राज्यपाल बने, ये कोई भी कांग्रेस के परिवार से, गांधी परिवार से नहीं आता है। इस परिवार का सिर्फ त्याग और बलिदान है, और एक परिवार एक सूत्र की तरह कांग्रेस को एक रखे हुए है, कांग्रेस को वापस मजबूत संगठन को करते हुए भाजपा को बाहर उठाकर फेंक सकते हैं, उनकी नफरत की राजनीति को, ये काम सिर्फ गांधी परिवार, राहुल गांधी जी कर सकते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में किया, इसलिए भाजपा ही बारी बारी परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, जबकि अपने घर में आप देख सकते हैं। अब मैं वापस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगी, सोनिया गांधी जी से जो बात की मैं वहीं आ रही हूं, मैंने मैडम को यही बात किया कि डर के आगे जीत है, आपके मन में मैडम डर क्या है, मैंने सोनिया गांधी जी को कहा था, डर ये है कि कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ जाएंगे, जिन्हें लालच है सत्ता का, 2004 से 2014 तक जो सत्ता में रहे, सत्ता सुख भोगा, केंद्रीय मंत्री रहे, बड़े बड़े बंगलों में रहे, गाड़ी ऐश कमाई सब किया उन्होंने, आज जब कांग्रेस सत्ता में नहीं है वो छटपटा रहे हैं। अगर ऐसे लोग पार्टी छोड़कर मैडम जाते हैं तो सोनिया जी आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों का जो लालची है सत्ता के, उन्हें चले जाना में ही पार्टी और संगठन की बेहतरी होगी। तो एक डर कि नेता चले जाएंगे, नेता जा रहे हैं, अभी ताजा उदाहरण ज्योतिरादित्य सिंधिया का, चला गया, परवाह मत करिएगा, परवाह मत करिएगा, क्योंकि वो अपने लालच में गए हैं, वो अपने लालच में गया, दम थे तो अपनी पार्टी बनाते, अपने संघर्ष को आगे लेकर जाते, निर्दलीय चुनाव लड़के जीतते, कांग्रेस ने टिकट दी उसके बाद हारते हैं, आप देख रहे हैं। सो मैं वही कह रही हूं कि पार्टी के नेता छोड़कर गए या जाएंगे उनकी परवाह मत करिए, ये वो बड़े नेता हैं जिन्होंने सत्ता सुख भोजा है, और अब उनके लिए मुश्किल हो रहा है सत्ता के बिना संघर्ष सड़कों पर करके कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना। तो पहला ये डर हमें निकालना होगा, जाने वाले जाए, जाते हैं, जाने जाना, आखिरी सलाम लेते जाना। दूसरी बात, आपका कहना है कि पार्टी के नेता जाएंगे तो संगठन कमजोर होगा, संगठन पहले से ही इनके रहते हुए कमजोर हुआ है, इनके रहते हुए कमजोर हुआ है, इन्हीं लोगों ने जब सत्ता में थे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कभी परवाह ही नहीं करी, उनका सुख, उनका दुख, उनके उनके घर की रोजी रोटी कैसे चल रही है, इन नेताओं ने अपने चमचों के गिर्द रखते हुए कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता पे कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए संगठन इनके रहते हुए कमजोर हुआ है, याद रखिएगा मैडम को मैंने कहा है।
इसलिए आपको अगर ये डर है कांग्रेस का संगठन कमजोर होकर खत्म हो जाएगा, तो इनके रहते हुए कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से कमजोर होकर खत्म होने की कगार पे, जिसे बचाने के लिए हम राहुल गांधी जी से गुहार लगा रहे हैं कि आप आइए जिम्मेदारी लीजिए, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको ताकत देगा। तीसरी बात, आप चुनाव हार जाएंगे, नेता छोड़ेंगे, संगठन कमजोर होगा। तीसरा पॉइंट था, हम चुनाव हार जाएंगे। हम 2014 का चुनाव हारे, हम 2019 का देश में चुनाव हारे, हम दिल्ली का चुनाव 2015 में हारे, 2020 में हारे। तो हार का भी डर आप निकाल लीजिए कि नेताओं के जाने से पार्टी कमजोर होगी, इनके रहते हुए कमजोर हुई और कमजोर संगठन से चुनाव हारेंगे। हम चुनाव हार के जीरो पे खड़े हैं आज। तो इसलिए ये तीनों डर अगर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व निकाल देगा, परवाह नहीं करेगा और जीरो से अगर शुरुआत संगठन की जाएगी, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि ये कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता जो 20 सालों से, तो मैं भी हूं, जो एनएसयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, जो मेरे साथ प्रदेश एनएसयूआई के अध्यक्ष थे, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस में मैं रही उस समय 20 सालों तक, लोग आज भी मैं देख रही हूं वही के वही है। जब अभी कांग्रेस में वापसी हुई तो सबके फोन आए, सबसे मुलाकात हो रही है, बात हो रही है और इतनी खुशी हो रही है कि वो लोग इतने खुश हैं कि हमने आपके साथ 20 साल पहले काम किया था, हमने आपके साथ 10 साल पहले काम किया था, हमें खुशी आप वापस आए, आपने तो हमें प्रदेश जिला अध्यक्ष बनाया था, प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। सो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ संघर्ष कर रहा है। सो मैं आप सभी से कहूंगी, हिम्मत मत हारिएगा। ये नेता आपसे थे, कार्यकर्ताओं से थे और कार्यकर्ताओं से संगठन है। इन नेताओं की वजह से ना कार्यकर्ता था ना संगठन था, जब तक थे ये कमजोर रहा। सो तीन नेताओं और मैंने एक और सुझाव श्रीमती सोनिया गांधी जी को देना चाहती हूं कि जो 70 पार के नेता हैं, उन्हें कहिए आप दिशा दीजिए। अपना अनुभव है आपके पास, बहुत लंबा राजनीति का जीवन का अनुभव है, 70 पार के नेता कांग्रेस को दिशा दें, सुझाव दें, राय दें, अपना अनुभव हमें दें, हमें चाहिए। अब जो 50 के ऊपर वाले हैं, जो अभी तक जिनके हाथ में बागडोर थी, केंद्र के मंत्री रहे, गवर्नर रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष, अब उनको मैं कहना चाहती हूं, अब पार्टी जिस स्तर पर आ गई है, अब ड्राइविंग सीट पर जो लोग थे उन्हें बैक सीट पर आना होगा। और जो बैक सीट पर थे 30 साल से ऊपर, 30, 35, 40, 45, 50 साल के जो बैक सीट पे थे, अब उन्हें ड्राइविंग सीट पर आना होगा। ये जो बदलाव है, जो चेहरा बदलेगा, नेतृत्व बदलेगा, नई सोच नई ताकत के साथ अब संगठन को आगे ले जाने की बारी आती है कि अब हम लोग अपना ये जो फेर बदल बदलाव है उसे करें। 70 पार वाले दिशा दें अपने अनुभव के साथ, 50 पार वाले जो ड्राइविंग सीट पे थे वो बैक सीट पर आ जाए और बैक सीट वालों को अब ड्राइविंग स्पोर्ट्स बनकर आगे जो है वो पार्टी को ले जाने का काम करना होगा। और बिल्कुल परवाह मत करिए इन नेताओं की, जो सिर्फ सत्ता और कुर्सी और बिना ताज के जिन्हें रहने की आदत नहीं है, क्योंकि लंबे समय तक पार्टी सत्ता में रही, इसलिए इन्हें अब आदत होगी ऐशो और आराम करने की। लेकिन आज कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए जमीन पर संघर्ष करने की जरूरत है, एक बार फिर पीठ पे लाठियां खाने की जरूरत है, जेल जाने की जरूरत है, तब देश के जो मुद्दे, बेरोजगारी, किसान, बेटियों की के साथ आए दिन होते हुए बलात्कार, गिरती अर्थव्यवस्था, जीडीपी, इन सब से कांग्रेस लड़कर इसे आगे ले जा पाएगी। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को कहूंगी, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, ये सब चीजों से बेनकाब हो रहे हैं। अभी हो सकता है बहुत से नेता लोग कह रहे हैं, आप घमंड में ये बात कर रहे हैं कि जा रहे हैं तो जाए। भाई साहब, ये बड़े बड़े नेता हैं, इन्हें सत्ता सुख की आदत पड़ गई थी, ये संघर्ष नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन जैसे नेताओं का अब जाना बेहद जरूरी है। अलका लांबा और अलका लांबा जैसे कार्यकर्ता जब तक कांग्रेस में थे, इन्हीं नेताओं की वजह से कभी विधायक बन पाए नहीं, कभी सांसद बन पाए नहीं, कभी पार्षद तक बन पाए नहीं, बन पाए कभी नहीं बन पाए। अलका लांबा गई थी संघर्ष करने, और एक साल संघर्ष के बाद जब टिकट मिली, विधायक बनी, तो जब छोड़कर आई थी ना, सत्ता छोड़कर आई हूं, विधायक थी, कांग्रेस में आई, जीरो कांग्रेस में आई, संघर्ष करने आई, वापस उस कांग्रेस को देश के लिए जिंदा करने आई, ताकि ये कांग्रेस जब जिंदा होगी तो इस जहरीली नफरत वाली, देश को बांटने वाली विचारधारा से लड़ पाएगी, इसलिए वापस आई हूं। और आज की तारीख में मैं कांग्रेस की, मैंने सदस्यता ली है, तो एक कांग्रेस की प्राथमिक प्राइमरी मेंबर, सदस्य के अलावा कुछ नहीं हूं, एक कार्यकर्ता हूं। और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं एक
कार्यकर्ता रहते हुए मुझे सिर्फ आप काम दीजिए, बोलिए कहाँ जाना है, बिहार का चुनाव है, अलका लांबा बिहार जाकर जमीन पर अपने जमीन के कांग्रेस के बिहार के कार्यकर्ताओं को ताकत देने के लिए तैयार है। अगर बंगाल भेजना है अलका लांबा बंगाल जाएगी, असम भेजना है अलका लांबा जैसे समर्पित कार्यकर्ता, हमें पद नहीं चाहिए, हमें कोई मंत्री विधायक सांसद की टिकटें भी नहीं चाहिए। चांदी चौक में जब मैं वापस विधायक थी, सिटिंग विधायक थी, छोड़कर सत्ता को वापस आई तो लोगों ने कहा आप टिकट छोड़ दीजिए, मैं तो तैयार थी, पर दो लोगों ने ही चांदी चौक से नामांकन कांग्रेस में किया था, एक अलका लांबा मैंने किया था और दूसरा वही से पूर्व सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के बेटे ने, दो लोगों ने नामांकन किया था, तीसरा कोई नहीं था। मुझे खुशी होती अगर कोई जमीनी कार्यकर्ता जो 20-30 सालों से संघर्ष कर रहा होता चांदी चौक विधानसभा की टिकट कांग्रेस से मांगता, मुझे गर्व होता और मैं खुशी खुशी उस टिकट को छोड़ देती। लेकिन सोनिया गांधी जी के पास जब दो नाम गए, पूर्व सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के बेटे का टिकट और अलका लांबा, मुझे खुशी है कि सोनिया गांधी जी ने एक कांग्रेस की कार्यकर्ता जिसने संघर्ष किया है, जिसने विचारधारा से समझौता नहीं किया है, उसे टिकट देना मंजूर किया और मैंने वो चुनाव लड़ा और आज भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव जीते चुनाव हारे कांग्रेस के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, क्योंकि कांग्रेस ही इस देश के लिए एक मजबूत, इस देश को मजबूत रखने का एकमात्र विकल्प है। प्रियंका गांधी जी के साथ आपको याद है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को महासचिव कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ये सम्मान कितना बड़ा है, महासचिव बनाया गया, सांसद का टिकट दिया गया, केंद्रीय मंत्री बनाया गया, लेकिन आज प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से नीचे उन्हें मंजूर नहीं है। इन्हीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रियंका गांधी जी के साथ उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था या नहीं बनाया गया था? क्या आपने प्रियंका गांधी जी की तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया को उत्तर प्रदेश में, दो साल बाद चुनाव है, दो साल बाद 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, प्रियंका गांधी जी ना सांसद है ना विधायक है ना केंद्रीय मंत्री, लेकिन संघर्ष कर रही है पार्टी के अंदर एक महासचिव के तौर पर, जमीनी तौर पर, सड़कों पर किसानों मर जो लोग पीड़ित शोषित बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रियंका गांधी जी आपको लड़ते हुए दिखेंगे। और वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनको जिम्मेदारी दी गई थी यूपी उत्तर प्रदेश की, 2000 साल बाद चुनाव था, लेकिन आप उनकी प्रोफाइल देखिएगा, क्या आपको वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए देश में कहीं संघर्ष करते हुए दिखे? नहीं, एक साल से छटपटाहट में थे कि चुनाव हार गए लोकसभा का, छटपटाहट थी कि उन्हें उन्हें प्रदेश अध्यक्ष दिया जाए, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, अभी एक ही साल तो हुआ था, पेशेंस रखते, लेकिन नहीं, आपने गद्दारी की पूरी एक स्थिर सरकार को, लोकतांत्रिक तरीकों से चुनी हुई सरकार को आपने भाजपा के साथ मिलकर, बड़ी उस भाजपा विचारधारा के खिलाफ, आप कहते हो 18 साल कांग्रेस में आप रहे तो 18 साल कौन सी विचारधारा के साथ आप लड़ रहे थे? अलका लांबा और अलका लांबा जैसे कार्यकर्ता 20 साल से लड़े हैं, आज भी लड़ रहे हैं, लेकिन समझौते नहीं किए अपने लालच में, आपने समझौता किया 18 साल कांग्रेस में रहे तो इसी सोच इसी विचारधारा से लड़ रहे थे, जिसकी गोद में जाकर गिरे भी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया किसकी गोद में जाकर गिरे? संघियों की गोद में, जिन्हें गाली निकाल रहे थे 18 साल तक, ये अपने लालच में गए, कहते कि मैं मध्य प्रदेश के लोगों की देश की सेवा करना चाहता हूं, अरे सर पे ताज रहेगा क्या तभी सेवा कर पाएंगे? मंत्री पद बंगला गाड़ी ऐशो आराम क्या तभी सेवा कर पाएंगे? यूं सेवा नहीं कर सकते क्या? आपका क्या कहना है कि हमारे जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो 20-25 सालों से हैं, पार्टी संगठन को मजबूत करते हैं, वो संगठन देश की आवाज बनता है और लोगों के बीच में हर तरीके का काम करते हैं, तो क्या हम देश की सेवा नहीं कर रहे? ये सब ढकोसलेबाजी है। हरियाणा में भी एक प्रदेश अध्यक्ष चुनावों में ही, लोकसभा के चुनाव में इस्तीफा देकर चलते बने, 2004 में वो भी सांसद थे, 2008 में भी उनको टिकट मिली, 10 साल सांसद रहे, प्रदेश के अध्यक्ष उन्हें बनाया, मैं नाम नहीं लूंगी, गद्दार हैं वो लोग। मैं एनएसयू में जब थी तब ये एनएसयू के अध्यक्ष हुए, मेरे बाद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष इन्हें बनाया गया, 2 बार सांसद रहे, 3री बार में बगावत कर दी। अरे इतनी अपनी जमीन थी तो अपने दम पर लड़ लेते चुनाव, हिम्मत नहीं हुई ना चुनाव लड़ने की आपकी। और आज यही गद्दार, आप ध्यान से देखिएगा, जो 2004 मुंबई का भी, नाम नहीं लूंगी मुंबई का, इनके पिताजी के सबके नाम ले चुकी हूं, जिनके साथ संघर्ष किया, दरिया बिछाई, झंडे उठाए,
ये तब लोग, ये इनके जो लाड साहब है ना, ये कहीं ना कहीं कोई गिटार बजा रहा था, कोई विदेश में घूम रहा था, कोई राजा महाराजाओं वाली जिंदगियां जी रहा था। पिताजी ने के बाद तुरंत इनको टिकटें मिल गई और ये हमारे सर पर आकर बैठ गए, और हमें हमें एक कार्यकर्ता के तौर पे कभी इन्होंने कोई इज्जत सम्मान नहीं दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ माधवराव सिंधिया जी का, राजेश पायलट जी का, जितेंद्र प्रसाद जी, मुरली देवरा जी, जिनके बेटे आज कोई हरियाणा का नेतृत्व चाहता है, कोई मुंबई का नेतृत्व चाहता है, कोई राजस्थान, कोई मध्य प्रदेश का, इनके पिताजी के साथ काम किया है। इतना सम्मान देते थे, इतना सम्मान देते थे, मैं बता नहीं सकती हूँ। और उतना ही जमीन आसमान का फर्क इन लोगों में है। सत्ता, कुर्सी, उसके बिना एक मिनट इनसे रहना मुश्किल है। पसीना बहाते हुए दिखाते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पसीना बहाया। अरे एक ही पसीना दिख रहा था आपको, वो जो कार्यकर्ता जब विपक्ष में थे, आंदोलन कर रहा था, लाठियां खाकर अपनी पीठ को लाल नीली कर रहा था, वो नहीं दिखा किसी को, वो नहीं दिखता। मैं कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को कहूंगी, दीजिए पूरी कांग्रेस को ताकत, ताकत दीजिए श्रीमती सोनिया गांधी जी को, ताकत दीजिए श्री राहुल गांधी जी को। अपील करूंगी श्री राहुल गांधी जी से, आइए निकलिए, हम सब ताकत देंगे आपको वापस कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालते हुए, इन चुनौतियों से पार लाते हुए। मुझे खुशी है कि आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी से बाहर फेंका उठाकर। उन्हें मालूम था, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मालूम था, हम सबको मालूम था क्या तमाशा चल रहा है। उनकी प्रोफाइल से भी हमें पता चल गया था, और जो तमाशे चल रहे थे वो हमें दिख रहे थे। उनकी बातचीत बैकडोर चल रही है, वो कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को जो है अस्थिर करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी अपने ईगो पर ले लिया है कि उन्हें मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, वो चुनाव कैसे हार गए, कांग्रेस उनको मन चाहा पद क्यों नहीं दे रही है। तो पता था वो भाजपा में जाएंगे, इसलिए 9 मार्च को उन्होंने अपना लेटर टाइप किया। अरे आप 9 मार्च को क्या, आप 1 महीना पहले लेटर टाइप करके रख सकते थे, ठीक है ना। और लेकिन कांग्रेस इंतजार करती रही, ये कांग्रेस की कमी है कि उस कांग्रेस को आपको उठाकर फेंक देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने संयम रखा। और आपको जो 10 मार्च को श्रीमती सोनिया गांधी जी ने फैसला लिया आपको उठाकर बाहर फेंकने का पार्टी से, वो बहुत पहले ले सकती थी, लेकिन आपने उसका नजायज फायदा उठाते हुए लेटर दे दिया कि हमने तो 9 तारीख को ही इस्तीफा दे दिया था, 10 को ही हमें पार्टी से निकाल रहे हैं। उनके धैर्य का आपने नजायज फायदा उठाया, वरना लोग तो ये कह रहे थे कि उठाकर बाहर फेंक दीजिए, पर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बड़प्पन दिखाया आपके प्रति, आपके घर, आपका परिवार, आपके पिताजी के लिए सम्मान दिखाते हुए सोनिया गांधी जी ने फैसला नहीं लिया। और आपका लेटर क्या है, आप तो 9 को कभी भी त्याग कर सकते थे। तो मैं कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ कर कहूंगी, निराश मत होइएगा। श्रीमती सोनिया गांधी जी से भी कहा, बेशक ये 134 साल पुरानी पार्टी है, इतिहास त्याग और बलिदान कर रहा है, लेकिन अब इस पार्टी को यूं शुरुआत करनी होगी जैसे कल ही हम इसको रजिस्टर्ड करा कर आए हैं, और कल ही हमें रजिस्टर कराते हुए पहला समर्पित कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखने वाला को हमें सदस्य बनाना है। वहां से हमें सदस्यता बनाते हुए कांग्रेस के जो 20-25 साल से कार्यकर्ता हैं, समर्पित जमीनी कार्यकर्ता हैं, आजकल तो फेसबुक भी है तो पहचानना बड़ा आसान हो जाता है कि कौन से नेताओं की परिक्रमा करके फोटो खिंचवा खिंचवा कर डाल रहा है, और कौन सड़कों पर लोगों के लिए संघर्ष करके अपनी पीठ को लाल और नीले कर रहा है, और कौन कब से पार्टी से जुड़ा है, और कौन सिर्फ कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा है, और कौन कांग्रेस को ताकत दे रहा है, पहचानना आजकल बहुत आसान हो जाता है। उनको आपको पहचान कर संगठन में जिम्मेदारी देनी होगी। और मैं आपको यकीन दिला रही हूँ, जब उस कम जमीनी कांग्रेस के कार्यकर्ता को, जिनको नेताओं ने कभी आगे नहीं आने दिया है, अगर उन्हें आप ताकत देंगी पूरे हिंदुस्तान में, मैं NSU से कांग्रेस के समय से जानती हूँ, 20-25 सालों से, तो मैं बहुत से हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी कहेंगे, गुजरात से नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, पूरा हिंदुस्तान मैंने एक एक गांव, एक एक जिला, एक एक ब्लॉक घूमा है पिछले 20 सालों में, एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैं जानती हूँ, पहचानती हूँ, और उन लोगों को आज तक कभी कुछ नहीं मिला है, सिर्फ सम्मान और पहचान की लड़ाई लड़ी है। उनको आपको अब आगे लाकर नेतृत्व संगठन का सौंपना होगा, और आपको ये देखना होगा एक ही नेता को विधायक की भी चाहिए होती है, सांसद भी बनना है, प्रदेश अध्यक्ष भी उसी को बनना है, मंत्री भी उसी को बनना है, एक ही नेता को सब कुछ चाहिए होता है। और वो फिर कार्यकर्ताओं को मारना की शुरुआत करता है, क्योंकि वो कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा लेकर खड़ा होता है, उसके जिंदाबाद नहीं कर रहा होता, जो उसे मंजूर नहीं होता। इसलिए वन मैन वन पोस्ट, एक आदमी के पास एक पद होना चाहिए, जिन्हें संगठन की जिम्मेदारी है वो चुनाव ना लड़े, और जिन्हें चुनाव लड़ना है उन्हें संगठन से कहिए आप जाइए, फिर आप लोगों के बीच में रहिए, संघर्ष करिए, और संगठन
यू मजबूत होगा। लेकिन लोगों को मुझे ही सांसद बनना है, मुझे ही विधायक बनना है, मुझे ही प्रदेश अध्यक्ष बनना है, मैंने ही पार्टी में रहते हुए मंत्री भी रहा, सांसद भी रहा, सब कुछ रहा, और आज संगठन भी बर्बाद करने में की जिम्मेदारी किसी पर कैसे जा सकती है? आज जिम्मेदारी आपकी, माफी चाहूंगी, होली का दिन है, 3,000 और 2,500 कांग्रेस के समर्पित मेरे संघर्ष के साथी, मैं कहूंगी आप मेरे संघर्ष के साथी हैं, सबको कहूंगी एक दूसरे को ताकत दीजिए, एक दूसरे को कांग्रेस के कार्यकर्ता को ताकत दीजिए, हताश निराश मत होइए, और भी तैयार रहिए कि ऐसे लालची लोग जो सत्ता में सिर्फ रहना पसंद करते हैं, सत्ता के बिना संघर्ष उनके बस का नहीं है, उनका चले जाना ही इस पार्टी के भविष्य के लिए बेहतर, हम सब के लिए बेहतर होगा। और मैं आप सभी से कहूंगी, आपका और हमारा संघर्ष बेहद लंबा है अभी, लेकिन हम इस संघर्ष को करेंगे, हम इस अंधेरे से कांग्रेस को निकाल कर लाएंगे। और मैं एक बार फिर से श्रीमती सोनिया गांधी जी से निवेदन करूंगी, कीजिए राहुल गांधी जी से बात, हमें फर्क नहीं पड़ता भाजपा और दूसरे लोग क्या सोचते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तो ये भी कहते थे कि राहुल जी के नहीं अगर तैयार होते तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को देश का कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए, आज सोचें वो लोग, मैं तो बहुत बेहतरी से इनके साथ काम किया है, इनकी रग रग से वाकिफ थी कि ये बिना सत्ता के, बिना कुर्सी के, बिना ताज के नहीं रह सकते हैं, आज संघर्ष करना आया तो ये छोड़ के भाग लिए हैं। अलका लांबा ने 20 साल संघर्ष किया कांग्रेस में रहकर, अलका जैसे बहुत से कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, पार्टी से गए तो रामलीला मैदान संघर्ष किया, वहां पार्टी ने जब केजरीवाल ने समझौते भाजपा से किए तो वापस कांग्रेस में लौट के संघर्ष का रास्ता चुना है। मुझे खुशी है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी से जब कांग्रेस के नेता मिल रहे थे तो मुझे एक नेता ने बताया जो उस मीटिंग में थे कि जब मुझे कुछ जिम्मेदारी देने की बात उठी तो उस समय लोगों ने कहा नहीं नहीं वो तो पार्टी छोड़कर चली गई थी, अभी अभी आई हैं। तो मुझे खुशी है उस नेता ने मुझे बताया कि सोनिया गांधी जी का जवाब ये था कि वो कहीं ना कहीं तुम लोगों से निराश होकर पार्टी की हालत को देखते हुए गई हैं और भाजपा में नहीं गई, भाजपा को रोकने के लिए गई हैं। मैं सोनिया गांधी जी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये बात कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं के बीच में कही कि वो भाजपा में नहीं गई, भाजपा को रोकने गई। और मुझे खुशी है सोनिया जी ने कहा ये बात जो मुझे नेता ने बताई कि राजीव जी के भारत रत्न को लेकर दिल्ली विधानसभा में एक भी कांग्रेस का विधायक नहीं था, इसलिए उम्मीद नहीं की जा रही थी क्योंकि उस प्रस्ताव राजीव जी के भारत रत्न के खिलाफ कोई बोलेगा, लेकिन अलका ने बोला। मैं सोनिया गांधी जी का धन्यवाद करती हूँ, ये ताकत, ये हिम्मत, ये सोच, ये विचारधारा, इस सब आपसे एक मेंटर के तौर पर मिला मुझे, NSV से, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस होते हुए आपकी टीम में 2007 में आपने मुझे दिल्ली से ऑल इंडिया कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव बनाया 2007 से 2011 तक, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। संगठन में रही, हमेशा संघर्ष किया, लड़ाई की, ताकत दी संगठन को, देश भर में जाके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, और आपके भी कहूंगी अलका लांबा किसी पद की मोहताज नहीं है, एक समर्पित कांग्रेस की कार्यकर्ता रहते हुए कांग्रेस की विचारधारा पे विश्वास रखते हुए उसे आगे ले जाकर पूरे देश में आप कहीं भी कहेंगी कि मुझे जाना है मैं जाऊंगी, जाएंगे उस विचारधारा को लेकर कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं को ताकत देने। और मध्य प्रदेश के लोगों को कहूंगी, मध्य प्रदेश के समर्पित, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जहाँ हमारी सरकारें हैं, बिल्कुल भाजपा पूरी कोशिश करेगी अपनी सत्ता और पैसे के दम पर ऐसे लालची नेताओं को ढूंढ ढूंढ कर तोड़ने की। और मुझे लगता है भाजपा ऐसा करके हमारा फायदा कर रही है क्योंकि हमें तो जीरो से शुरुआत करनी है। भाजपा को कहूंगी थोड़ा और दम लगाओ, बिल्कुल हम भी चाहते हैं कि ये चटनी अब एक बार हमेशा के लिए हो ही जाए, लगाओ लगाओ भाजपा, लगाओ अपना पैसा, लगाओ अपनी सत्ता का ताकत, और ऐसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं को ढूंढकर खोजकर ले जाइए क्योंकि इसके बाद कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक नई शुरुआत करेगी और एक नई कांग्रेस एक नई ऊर्जा के साथ एक नई सोच और संगठन को लेकर आगे बढ़ेगी। बातें बहुत सी हैं, होली का दिन है, लेकिन आज मुझे सिर्फ बहुत से कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं से मैं कहूंगी
संघर्ष जारी रखिए, एक दूसरे को ताकत देंगे, एक दूसरे से बात करते रहेंगे और कोशिश करेंगे हम व्हाट्सएप ग्रुप में किसी न किसी तरह देश के पूरे कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता, जो कभी विधायक सांसद पार्षद नहीं रहे, कभी कोई उन्हें मंत्री का दर्जा ना मिला हो, सिर्फ कांग्रेस के संगठन में रह के कांग्रेस के लिए लाठियां खाई हो, सिर्फ उन लोगों का एक, मुझे लगता है मैं भी कोशिश करूंगी, एक व्हाट्सएप ग्रुप पूरे, क्योंकि अनसुईया राष्ट्रीय अध्यक्ष रही थी, देश भर घुमा है, सब जानते हैं, सब बुलाते रहते हैं। मैं आपसे यकीन दिलाती हूँ कि दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के हर उस समर्पित कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए अलका लांबा की आवाज़, एक कार्यकर्ता की आवाज़ दूसरे कार्यकर्ता के लिए बुलंद रहेगी, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम कांग्रेस को एक बार फिर से संगठन को मजबूत करते हुए बुलंदियों पर लेकर जाएंगे, ये मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। निराश मत होइएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगी क्योंकि पूरे देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता इन सब चीज़ों को देखकर हताश और निराश ना हो, इसलिए कहूँगी हम सब एक हैं, हम सब एक रहेंगे। कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा को श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आगे ले जाते हुए, देश के ज्वलंत मुद्दों को आगे रखते हुए हम एक बार फिर से उठ खड़े होंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। जाते जाते होली के पावन अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।